साल के अंत तक राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं। सभी दलों ने अपनी चुनावी तैयारियां तेज कर दी है। ऐसे में एक सर्वे सामने आया है जिससे कांग्रेस को राहत मिलती नजर आ रही है। सर्वे के मुताबिक राज्य में कांग्रेस फिर से सरकार बना सकती है। वही भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के लिए भी दो राहत की बात सामने आई है। राजस्थान चुनाव से पहले आई ANS पोल स्ट्रेट ने 6,705 लोगों का ओपिनियन पोल किया। सर्वे के मुताबिक आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के खाते में 200 में से 101 सीटें जा सकती है। वे बीजेपी के खाते में इस बार 93 सीटें जा सकती है। सर्वे में ये बताया गया है कि कांग्रेस को कम से कम 97 सीटों और अधिकतम 105 सीटों पर जीत मिल सकती है। वे बीजेपी 89 से 97 सीटों पर कब्जा कर सकती है। सर्वे में राजस्थान के लोगों से उनका लोकप्रिय नेता पूछा गया। राज्य के 38% लोगों ने अशोक गहलोत को अपना फेवरेट नेता बताया। वही बीजेपी की दिग्गज नेता वसुंधरा राजे के फेवर में 26% लोगों ने वोट किया। दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस के युवा नेता सचिन पायलट को राज्य के 25% लोगों ने अपना प्रिय नेता बताया। वही सर्वे में 48% लोगों ने CM गहलोत के काम को अच्छी रेटिंग दी है। सर्वे के मुताबिक बीजेपी को आगामी विधानसभा चुनाव में कुल 40% वोट मिल सकते हैं। साल 2018 में बीजेपी को 39% वोट मिले थे, यानी बीजेपी की वोटिंग शेयर 1% बढ़ सकती है। वही इस बार होने जा रहे चुनाव में बीजेपी को 89 से 97 सीटों पर जीत मिल सकती है। यानी अगर सर्वे के आंकड़े सच होते हैं तो विधानसभा में बीजेपी के विधायकों की संख्या में बढ़ोतरी होने वाली है और निश्चित तौर पर ये बीजेपी के लिए अच्छी खबर है। लेकिन कुल मिलाकर अगर सर्वे पे गौर करें तो कांग्रेस की एक बार फिर से राजस्थान में सरकार बनने जा रही है, और अगर ऐसा होता है तो ये कांग्रेस के लिए बड़ी जीत होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।